देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। खालसा पंथ की साजना के रूप के 13 अप्रैल विसाखी वाले दिन अज केसगढ़ साहब की धरती के उत्ते विसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा। मैं इस समय केसगढ़ साहब की धरती के उत्ते खड़ा जिथे कि वड्डी गिनती दे विच संगत आ के नतमस्तक हो रही है और विसाखी का त्यौहार धूमधाम नाल मनाया जा रहा। उत्तर भारत के विसाखी का त्यौहार बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा। पंजाब दे विच वड्डी गिनती दे विच हर जगह पर मेले लगते हैं, विसाखी का त्यौहार मनाया जाता, लेकिन इस धरती का खास इतिहास हैगा। इस धरती का इतिहास विसाखी के त्यौहार नाल सीधा होया जुड़िया होया, क्योंकि 1699 श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस केसगढ़ साहिब की धरती के उत्ते खालसा पंथ की नींव रखी सी, साजना की सी, खालसा सजाया सी इस धरती के उत्ते 1699 13 अप्रैल पहली विसाख वाले दिन वड्डी गिनती दे विच संगत का इकट्ठ होया सी। करीब 80,000 की गिनती दे विच संगत इस धरती के उत्ते इकट्ठ दे रूप दे विच आई सी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शनों नूं करन तो बाद श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने चमचमाउंदी तलवार कढ के शीश की मंग की सी अते कहा सी, है कोई सिख का बेटा जो शीश करे भेटा। उस बाद लगातार एक तो बाद एक शीश की मंग की, पंज प्यारे जिहड़े सामने आए उन्होंने कहा कि असी धर्म के लिए शीश देने लिए तैयार हाँ। तो उस तो बाद श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना की, अमृत छकाया, अमृत की तैयारी की गई, अमृत छकाउन की तैयारी की गई। तो उस बाद अज तक लगातार विसाखी का त्यौहार इस दिन की महत्ता मानते हुए सिख धर्म के मनाया जाता। सिख तो हिंदू दोनों ही धर्मों के इसका खास महत्व हैगा। तो ये जो धरती तुम पवित्र धरती देख रहे हो, ये धरती के उत्ते ही खालसा पंथ की साजना की गई है। तो उस बाद अज तक लगातार सिख धर्म के ये मानता मनी जाती है कि इस त्यौहार को खालसे की साजना दिवस के रूप के मनाया जाता। तुम देखो वड्डी गिनती दे विच संगत आई हुई है। मैं प्रवेश द्वार भी कैमरामैन को कहूँगा कि दिखा दे कि एंट्री संगत वालों की जाती है और अंदर तख्त श्री केसगढ़ साहिब गुरद्वारा साहिब के संगत नतमस्तक होंदियां ने। उस बाद इस जिहड़े दरवाजे दे राही बाहर आउंदियां ने ते संगत इत्थे लगातार नतमस्तक होंदियां रहिंदियां। सवेर तो ये समागम चल रहे ने, अखंड पाठ के भोग पाए गए ने। उस बाद लगातार तमाम संगत इत्थे मत्था टेकन दे लई पहुंचदियां ने। तमाम पूरे पंजाब दे विच्चों लोग इत्थे मत्था टेकन आउंदे ने, संगत इत्थे मत्था टेकन आउंदी आ। सिख धर्म हिंदू धर्म दे विच खास महत्व इस दिन का मनिया जाता है। अज तो विसाख की शुरुआत होंदी है, अज तो ही हाड़ी दी फसल वेच वट के लोग मेलियां दे विच पहुँचते हैं। इस त्यौहार नूं हाड़ी की फसल के नाल भी जोड़िया जाता है, क्योंकि हाड़ी की फसल कट्टन तो बाद जिहड़े किसान है वह मेलियां दे विच आउंदे ने, अपना जश्न मनाउंदे ने। हाड़ी कट्टन की फसल कट्टन की खुशी दे विच भी इस नूं जोड़ के देखा जाता। खालसा पंथ की साजना दे दिवस के रूप के देखा जाता। तो तुसीं तस्वीरां देखो, ये तस्वीरां तख्त श्री केसगढ़ साहिब दीआं तस्वीरां ने। पंजां तख्तां दे विचों एक तख्त है अते ये स्थान की एक अपनी महत्ता है। इस स्थान नूं केसगढ़ साहिब की पहाड़ी के रूप के भी जाने जाता है। केसगढ़ साहिब दे इस स्थान के उत्ते पहाड़ी सी, जिस पहाड़ी के उत्ते खड़े हो के जिहड़े श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने संगतां नूं बुलाया सी, वड्डी गिनती दे विच पूरे एरिए दे विचों पूरे पंजाब दे विचों पूरे इस इलाके दे विचों संगतां इकट्ठियां होईयां सी। तां ये तस्वीर जिहड़ी तुसीं देखो, ये तख्त श्री केसगढ़ साहिब की तस्वीर है। तो जाहो जलाल किते ना किते जरूर इस विसाखी का त्यौहार का देखने नूं मिल रहा। कैमरामैन दीपक तिनार, रविंदर सिंह, दैनिक सवेरा टीवी, आनंदपुर साहिब।
ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन चोरा ठगा तो सावधान स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 94648 84374 94648 पंडित राधे शर्मा चमत्कार हुंदे वेखो अपनी अखां दे सामने 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल मुसलमानी रूहानी ते काले इलम दे बादशाह मेरे कीते नु मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा मोड़ी वशीकरण करवाओ मनचाहा प्यार पाओ लव मैरिज सौतन दुश्मन तो छुटकारा तलाक केस जमीनी झगड़ा नौकरी कारोबार च रुकावट विदेश यात्रा लॉटरी तो तुहानू मिलेगा जां नहीं सच्चाई जानो लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर मिलो मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा मोबाइल 98 788 045 80 85 88 38 617